मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां यूएस और नाजी सोल्जर्स के बीच तगड़ी फाइट चल रही थी, और इस फाइट में यूएस सोल्जर्स नाजी सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगते हैं, जो सभी एनिमीज को ढेर करने के बाद एक वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, जिसमें काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, जिन्हें फुल इज्जत के साथ जब्त कर लिया जाता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एरेला ब्राश नाम की लेडी फेडरल बैंक में एंटर कर जाती है, साथ ही वो सभी स्टाफ और सिक्योरिटी मेंबर्स पर बारीकी से नजर रख रही थी, तो हमें इस लेडी के इरादों पर शक होने लगता है, और इसी दौरान कुछ सफाई कर्मचारी बैंक में एंटर कर जाती हैं, जो मौका पाते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं, ताकि कंट्रोल रूम पर कब्जा किया जा सके, और इसी समय बाकी सफाई कर्मचारी स्मोक ग्रेनेड को फोड़ देते हैं, जिससे बैंक में अलार्म बजने लगते हैं, और फिर जल्द ही यहाँ पर बैंक मैनेजर आ जाता है, जो कि सभी कस्टमर्स को बाहर भेजने लगता है, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, मगर आज तो उसकी अच्छे से बैंड बजने वाली थी, क्योंकि बैंक में कुछ रॉबर्स घुस आए थे, जो सभी कस्टमर्स को बाहर जाने से रोक लेते हैं, ताकि इन कस्टमर्स को हॉस्टेज की तरह यूज किया जा सके, और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड मेन डोर को क्लोज कर देती है, साथ ही उसके साथ ही अपनी गन्स निकाल कर रेडी हो जाते हैं। वेलेस ग्रुप में 7 लोग मौजूद हैं, जिनकी लीडर एरेला ब्राश थी, जो शुरुआत से ही वियर्डली बिहेव कर रही थी, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां मायरन नाम के आदमी ने नर्स को हॉस्टेज बना लिया था, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेमी नाम का डिटेक्टिव आ जाता है, तो वह मायरन से बातें करके उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, जिसका मायरन पर जरा भी असर नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उसके $10,000 ठग लिए थे, मगर रेमी कैसे भी करके मायरन को बेवकूफ बना लेता है, जिससे मायरन को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जो रेमी को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ येड़े फेडरल बैंक को लूटना चाहते हैं, तो अब तुम्हें इस केस को हैंडल करना पड़ेगा। वहीं बैंक में रॉबर्स ने अपनी ड्रेसेस को चेंज कर लिया था, जो फिर सभी हॉस्टेजेस को थ्रेटन करने लगते हैं कि हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे रास्ते में मत आना, वरना हम तुम्हें बेरहमी से मार देंगे। जो बात सुनकर हॉस्टेजेस को डर लगने लगता है, और फिर सभी हॉस्टेजेस को भी रॉबर्स जैसी ड्रेस पहनवा दी जाती है, ताकि पुलिस और अथॉरिटीज को कंफ्यूज किया जा सके, जिसके बाद ये लोग बैंक मैनेजर को कूट काट कर उसकी कीज को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इन कीज के बिना वॉल्ट को एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो वो लोग बैंक मैनेजर को लेकर वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसके हैंडप्रिंट से वॉल्ट आसानी से खुल जाती है, मगर ये सब करके मैनेजर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वॉल्ट में तो सिर्फ गोल्ड भरा हुआ था, जिसे लेकर ये लोग भाग नहीं सकते थे, तो इनका चोरी करना बिल्कुल बेकार था, पर एरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, जो वॉल्ट में मौजूद एक ओल्ड स्टाइल सेल को ओपन करवा लेती है, जिसमें काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, एंड सरप्राइजिंगली ये वही बॉक्सेस थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन वेयर हाउस से लूटा गया था, तो जोसेफ नाम का रॉबर इन्हें खोलकर चेक करने लगता है, जिसमें काफी सारा जर्मन गोल्ड भरा हुआ था। वहीं बैंक के बाहर FBI और पुलिस ने बैंक को घेर लिया था, जो इस मैटर को हैंडल करने की जिम्मेदारी FBI एजेंट ब्रिन को दे दी जाती है, जो NYPD के बेस्ट नेगोशिएटर रेमी के साथ कोऑपरेट करने लगती है, तो ब्रिन उसे क्लियर कर देती है कि ये बैंक रॉबरी बिल्कुल उस तरीके से की जा रही है, जैसे कि 5 साल पहले आर्थर की इस बैंक में हुई थी, तो ये सुनकर रेमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे इस रॉबरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वेल गाइस, ये लेडी इनसाइड वन मूवी में हुई रॉबरी के बारे में बातें कर रही थी, जहां आर्थर केस नाम की बंदे ने जर्मन्स के साथ कोऑपरेट करके खूब सारे हीरे चुरा लिए थे, जो बात को जर्मन आदमियों को पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने 60 साल बाद आर्थर केस की बैंक लूट ली थी, जिससे आर्थर केस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। वैसे आप लोगों को मूवी 1 की स्टोरी जाननी है, तो आपको वो मूवी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं प्रेजेंट स्टोरी में बैंक के बाहर स्वाट टीम आ जाती है, जिन्हें देखकर नेगोशिएटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं बैंक में रॉबर्स कुछ कारस्तानी करने लगते हैं, जिस दौरान एरी अपने साथियों से छुपकर एक सेफ्टी बॉक्स को ओपन कर लेती है, जिसमें से वो कुछ चुराने के बजाय सामान रखने लगती है, तो हमें
अंदाजा हो जाता है कि ये लेडी पुलिस के लिए कुछ क्लूज छोड़ रही थी। प्रोबेबली उसके मोटिव चोरी से कुछ अलग हैं। पर तभी बैंक के सभी फोन्स बजना चालू हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये कॉल नेगोशिएटर्स ने करवाई थी जो इस हॉस्टेज सिचुएशन को नेगोशिएट करना चाहते थे। तो एरी डायरेक्टली अपनी डिमांड्स बता देती है कि मुझे 20 लोगों के लिए खाना पानी की जरूरत है, साथ ही तुम्हें मिडनाइट तक 2 आर्मर ट्रक्स का इंतजाम करवाना होगा वरना मैं हॉस्टेजेस को एक एक करके मारने लगूंगी। तो रैमी उनके लिए पानी का इंतजाम करवा देता है जिसे रॉबर्स एक हॉस्टेज के थ्रू पिक करवा लेते हैं। मगर एरी को देखकर रैमी को वियर्ड फीलिंग्स आने लगती हैं। मानो ये लड़की चोरी करना नहीं चाहती है। वहीं वॉल्ट में रॉबर्स ने गोल्ड को पिघलाना चालू कर दिया था जो इनकी शेप्स को बदल के रॉड्स की शेप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिन्हें डिस्गाइज करके ये लोग चुराने वाले थे। और इसी समय एजेंट ब्रेंट 5 साल पहले हुई चोरी के बारे में डिटेल्स निकाल लेती है जिससे उसके हाथ डेल्टन रसल नाम के आदमी की फाइल आ जाती है जो कि 5 साल पहले हुई चोरी का असली मास्टरमाइंड था। तो ये लोग डेल्टन रसल की फाइल को स्टडी करने लगते हैं जिससे इन्हें एहसास हो जाता है कि डेल्टन रसल का इस चोरी से कोई कनेक्शन है क्योंकि इन दोनों चोरी को बिल्कुल एक तरीके से किया जा रहा है मानो दोनों ही चोरी को एक ही आदमी ने प्लान किया हो। मगर फिलहाल के लिए उन्हें एरियोला की डिमांड पूरी करनी होगी जिसकी डिमांड के हिसाब से वो लोग 20 लोगों का खाना प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हॉस्टेज एटलीस्ट भूखे तो न मर जाएं। पर एरी को देखकर रैमी को फिर से वियर्ड फीलिंग्स आने लगती हैं। मानो एरी इस चोरी को करना नहीं चाहती है, उसे तो ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। जिसके बाद ब्रेन का पार्टनर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि आर्थर केस की 1 महीने पहले मौत हो चुकी है जिसके बाद सारा कारोबार आर्थर केस के बेटे डिट्रिक केस को हैंडओवर कर दिया गया है जो कि असल में एक वांटेड क्रिमिनल है। तो ये जानकर एजेंट ब्रेन का डाउट और भी ज्यादा फट जाता है कि इस चोरी में डिट्रिक केस का हाथ है। वहीं बैंक में रॉबर्ट्स अपने भागने के लिए टनल खोदने का इंतजाम करने लगते हैं मगर वॉल्ट के उस पार तो हडसन रिवर जा रही थी तो अगर गलत जगह पर छेद किया गया तो हडसन रिवर का सारा पानी बैंक में आ जाएगा। तो जोई नाम का बंदा अपनी मशीन से चेकिंग करने लगता है जहां उसे टनल खोदने के लिए सुटेबल जगह मिल जाती है तो वो अपनी वाटर गन से छेद करना चालू कर देता है। और फिर जल्द ही रात हो जाती है जहां पुलिस वाले एरी की डिमांड के हिसाब से ट्रक्स का इंतजाम करवा देते हैं। तो एरी कुछ सोचकर एजेंट ब्रिंट को अंदर आने की परमिशन दे देती है ताकि एजेंट ब्रिंट सभी हॉस्टेजेस की सिचुएशन को चेक कर सके। मगर इनके नेगोशिएशन की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि एक रॉबर प्राइवेटली गोल्ड को चुरा रहा था जिसके बारे में जोसेफ नाम के चोर को पता चल जाता है जो बिना रहम के उसको गोली मार देता है। तो इस गनशॉट की आवाज को एरियर पुलिस वालों ने सुन लिया था तो वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रॉबर्स ने हॉस्टेजेस को मारना चालू कर दिया है तो वो लोग कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर रैमी फिलहाल के लिए स्वाट टीम को ठंडा कर देता है। वहीं एरी जोसेफ से पूछताछ करने लगती है जिसका जोसेफ ढंग से जवाब नहीं देता है बल्कि वो तो एरी को ही डराने लगता है कि भूलो मत तुम यहाँ पर आखिर किस लिए आई हो, साथ ही मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ बल्कि तुम मेरे लिए काम कर रही हो। तो ये बात सुनकर एरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सब देखकर हमें एहसास हो जाता है कि एरी को प्रोबेबली फोर्स किया जा रहा है जो इस रॉबरी को करना नहीं चाहती है। वहीं एजेंट ब्रेंट हॉस्टेजेस की सिचुएशन चेक करने के लिए बैंक में एंटर कर जाती है मगर रॉबर्स काफी ज्यादा चालू थे जो एक फेडरल एजेंट को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। तो ये सब देखकर रैमी काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं बैंक में एजेंट की ड्रेस को भी बदलवा दिया जाता है जो एरी से ये सब करने का रीजन पूछने लगती है जिस पर एरी उसे इन्फॉर्म कर देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इस रॉबरी के होते ही मुझे मार दिया जाएगा। तो एजेंट सिचुएशन को जानने के बाद एरी की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पास एवा नाम की लड़की आ जाती है जो रैमी के सामने कन्फेस कर देती है कि बैंक में मौजूद एक रॉबर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिस बात पर पुलिस काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो लेडी उन्हें क्लियर कर देती है कि ब्रेकअप से पहले मेरा बॉयफ्रेंड रॉबरी की प्लानिंग कर रहा था जिस बारे में मुझे उसने सब कुछ बताया भी था मगर तब मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा नहीं हुआ था मगर जब आज मैंने टीवी में न्यूज देखी तब मुझे एहसास हो गया था कि इस रॉबरी में मेरा बॉयफ्रेंड भी शामिल है। तो ये बात जानकर रैमी काफी ज्यादा एक्साइटेड था जो लेडी से रॉबर्स के सारे प्लान्स पूछने लगता है। तो लेडी उसे
क्लियर कर देती है कि रॉबर्ट्स असल में भागने के लिए ट्रक का यूज नहीं करने वाले, बल्कि वो तो वॉल्ट के अंदर से टनल खोदने वाले, जिस बात पर रैमी को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वॉल्ट के दूसरी तरफ तो हडसन रिवर बह रही थी। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि न्यूयॉर्क के न्यू मैप में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, क्योंकि वॉल्ट के पीछे से एक टनल बनाई जा सकती है जो कि हडसन रिवर के नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएगी। तो रैमी को उसकी बातों पर डाउट होने लगता है, जो फिर न्यूयॉर्क के पुराने प्लान्स को चेक करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली उन्हें एहसास हो जाता है कि एवा बिल्कुल सही कह रही थी। तो ये सब जानकर पुलिस एक्टिव हो जाती है। साथ ही ब्रिन के पार्टनर अंश ने एरी की आइडेंटिटी का पता लगा लिया था। एंड सरप्राइजिंगली इसी समय एरी को किसी का मैसेज आ जाता है कि पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जो अब स्वाट टीम को रूफ के थ्रू भेजने वाले। जिस बात को जानकर एरी काफी ज्यादा अपसेट थी। साथ ही हमें एहसास हो जाता है कि पुलिस की यूनिट में क्विट ट्रेटर मौजूद है, जो एरी के साथ साथ जोसफ को भी मैसेज कर देता है। तो जोसफ छत पे जाकर उन स्वैट टीम के मेंबर्स को बुरी तरह से कूटने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली वो अकेला ही इस टीम की धज्जियां उड़ा देता है। मगर अब एरेला और जोसफ काफी ज्यादा अपसेट थे, जो रैमी को वीडियो कॉल पर लेकर उसके सामने ही एक स्वैट मेंबर को गोली मार देते हैं। तो ये देखकर रैमी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसने तो स्वैट टीम को ऑर्डर्स नहीं दिए थे। जिसके बाद रैमी एरिक को डायरेक्टली कॉल लगा देता है, जहां वो एरिक को इन्फॉर्म कर देता है कि हमें तुम्हारी पहचान और एस्केप प्लान के बारे में पता चल चुका है, तुम लोग बैंक की वॉल्ट में टनल खोदना चाहते हो। तो ये बात सुनकर एरी काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि उसके प्लान्स के बारे में आखिर पुलिस को कैसे पता चला। जिस बात पर रैमी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो एरी के मोटिव्स के बारे में पूछने लगता है। तो लेडी उसे एश्योर कर देती है कि 30 मिनट के अंदर अंदर सभी हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया जाएगा। और फिर हमें एरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कुछ गुंडे एरी के घर में आकर उसके भाई डेल्टन को कैप्चर कर लेते हैं। एंड सरप्राइजिंगली डेल्टन वही बंदा है जिसने आर्थर केस को 5 साल पहले लूटा था। तो लेडी ठग्स के लीडर जोसफ से ये सब करने का रीजन पूछने लगती है, जिसका जोसफ कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसका बॉस डिट्रिक केस यहाँ आ चुका था, जिसे देखकर एरी काफी ज्यादा शॉक थी। तो डिट्रिक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे फादर 1 महीने पहले गुजर चुके हैं और अब मैं ही सारा कारोबार संभाल रहा हूँ। तो ये सुनकर एरी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो डिट्रिक उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे फादर का काफी बड़ा नुकसान करवा दिया था, और अब तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना तुम्हारे भाई को बेरहमी से मार दिया जाएगा। और इसी के साथ एरी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। साथ ही हमें इस रॉबरी का रियल रीजन पता चल जाता है कि इस रॉबरी को असल में डिट्रिक करवाना चाहता है, ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सके। साथ ही एरी अपने भाई को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे फोर्स किया जा रहा था। और इस चोरी को नाकामयाब करने के लिए एरी ने 392 सेफ्टी बॉक्स में क्लूज छोड़े थे, ताकि पुलिस उन क्लूज को फॉलो करते हुए डिट्रिक केस तक पहुंच जाए। वहीं जुई नाम के रॉबर ने टनल खोद डाली थी, जिसके थ्रू ये आसानी से बाहर जा सकते थे। तो जुई का काम पूरा होते ही जोसफ उसे जान से मार देता है। तो ये सब देखकर एरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जोसी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जोसफ उन सभी को धीरे धीरे मारता जा रहा है। तो एरी एजेंट ब्रिन के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देती है कि डाल्टन रसल असल में मेरा भाई है, जिसकी जान बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, और हमारे गैंग में मौजूद बड़ा सा आदमी जोसफ असली विलन है, जो इनफैक्ट डिट्रिक केस के लिए काम करता था। तो ये सब सुनकर एजेंट ब्रिन को सारा माजरा समझ आ जाता है, जिसके बाद जोसफ और एरी बैंक में बॉम्ब्स लगाने लगते, साथ ही वो टनल्स में भी काफी सारे बॉम्ब्स प्लांट कर देते, जिससे वो इस टनल को उड़ाने वाले थे। मगर जोसफ के कुछ कर पाने से पहले ही एरी उसे एक प्रिजन सेल में कैद कर देती है, जिस बात पर जोसफ काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो एरी के भाई को मारने की धमकी देने लगता है, जिस बात पर एरी ध्यान नहीं देती है। मगर उसके बाहर जाने से पहले ही बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं, और फिर बैंक के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है, क्योंकि टनल के दूसरी तरफ हडसन रिवर मौजूद थी, जिसका तेज पानी बैंक में तबाही मचाने लगता है। वहीं ब्लास्ट को सुनकर
पुलिस वाले एक्टिव हो चुके थे जो फोर्सफुली बैंक में एंटर कर जाते जो फिर जल्दी से सभी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने लगते। वहीं ब्रिन के सेल में भी पानी भरने लगा था तो ये सब देखकर ब्रिन को टेंशन होने लगती है। पर तभी यहाँ पर रेमी आ जाता है जो जैसे तैसे करके उसके प्रिजन सेल को ओपन कर देता है, मगर अब तक जोसेफ ने अपने सेल के डोर को तोड़ दिया था तो वो बाहर आकर रेमी से भिड़ जाता है जिसमें रेमी की अच्छे से पिटाई होने लगती है। पर एजेंट ब्रिन एक गोल्ड बार से जोसेफ का सर फोड़ देती है जिससे जोसेफ वहीं पर मारा जाता है। तो ये लोग जल्दी से बाहर निकलकर वॉल्ट को बंद कर देते हैं जिसके बाद सभी इंजर्ड लोगों का इलाज चालू हो जाता है। तो हमें मीडिया की बातें सुनकर पता चल जाता है कि सभी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया गया था और बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, मगर इस समय एरी और उसकी दोस्त जोसी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस ने अस्यूम कर लिया था कि एरी और जोसी पानी में डूबकर मर चुके होंगे। मगर ये सब जानकर ब्रिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके सुपीरियर ने शाबाशी देने के बजाय उसे अच्छे से सुना दिया था। ऑब्वियसली वो ब्रिन को सप्रेस करना चाहता है तो उसे एरी की कंडीशंस याद आने लगती हैं, जिन्हें फॉलो करने के लिए वो यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद पुलिस अपने तामझाम को इकट्ठा करने लगती है। पर रेमी को बोर्ड पर एवा का छोड़ा हुआ मैसेज मिल जाता है जिस पर 392 लिखा हुआ था। तो रेमी को 5 साल पुराने केस के बारे में याद आ जाता है जिसमें 392 बॉक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये लोग जल्दी से बैंक में जाकर 392 बॉक्स को चेक करने लगते हैं जहां उन्हें एरी के छोड़े हुए क्लूज मिल जाते हैं। साथ ही इस बॉक्स में एक फोटो मौजूद था जिसे देखकर रेमी को समझ आ जाता है कि डेल्टन, एरी और एवा एक परिवार थे जहां एरी को फोर्स करके चोरी करवाई गई थी। तो इस रॉबरी प्लान के बारे में एवा पुलिस को बताने चली आई थी ताकि इस चोरी को नाकामयाब किया जा सके। अगले दिन बैंक से सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है तो क्लीनर्स का क्रू फूटे टूटे सामानों को गार्बेज ट्रक में डालने लगता है, इस बात से बेखबर कि रॉबर्स ने गोल्ड को मेल्ट करके उनकी शेप्स को चेंज कर दिया था जैसे वेस्ट की तरह ये लोग कचड़े में फेंकने वाले थे, मगर इसमें से काफी सारा कचड़ा तो असली गोल्ड है। जिसके बाद रेमी बैंक की चेकिंग करने लगता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि बैंक से काफी सारा गोल्ड गायब हो चुका है। तो उसे भी एहसास हो जाता है कि रॉबर्स ने गोल्ड को मेल्ट करके उनके शेप्स को चेंज कर दिया होगा जो कि एक्सप्लोजन में हुए टूटे फूटे मलबे के नीचे दब गए होंगे। तो रेमी को एहसास हो जाता है कि क्लीनर्स ग्रुप प्रोबेबली रॉबर्स थे, यानी शुरुआत से ही वो लोग पुलिस को बेवकूफ बना रहे थे जो लोग हॉस्टेजेस में घुल मिलकर बाहर निकल आए होंगे, यानी ये चोरी फेल होने के बजाय कामयाब हो चुकी थी। जिसके बाद एजेंट ब्रिन एरी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डॉक चली जाती है जहां पर एक वैन खड़ी हुई थी एंड सरप्राइजिंगली इस वैन में गोल्ड मौजूद था जिसे फेडरल बैंक से चुराया गया था। यानी एजेंट ब्रिन शुरुआत से ही एरिक की मदद कर रही थी। जल्द ही यहाँ पर डीट्रिक केस आ जाता है जो कि असल में इस रॉबरी का मास्टरमाइंड था। तो एजेंट उसे वार्न कर देती है कि तुम्हें अपना गोल्ड मिल चुका है तो तुम्हें अब डेल्टन को आजाद कर देना चाहिए, जिसकी बात को मानते हुए डीट्रिक अपने आदमियों को कॉल कर देता है, जिसके ऐसा करते ही यहाँ पर FBI की यूनिट्स आ जाती हैं, जो डीट्रिक को विद एविडेंस अरेस्ट कर लेती हैं। तो डीट्रिक उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से डेल्टन बच जाएगा? नहीं नहीं, मैंने तो उसे छोड़ने के बजाय मारने के ऑर्डर्स दिए थे और ऐसा होता भी है, डीट्रिक के आदमी डेल्टन का खून कर देते हैं। तो ये जानकर ब्रिन काफी ज्यादा अपसेट थी तो रेमी उसे क्लियर कर देता है कि एरी शायद अभी भी जिंदा है जो अब काफी लोगों का खून करने वाली है क्योंकि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि डेल्टन रसल का खून करवा दिया गया है और ऐसा होता भी है। एरी बर्लिन में एक क्लब चली जाती है जिसे डीट्रिक के आदमी चलाते थे, जहां जाकर एरी सभी लोगों को मार डालती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।